मुरैना में नगर निगम की अकाउंट अधिकारी संतोष शर्मा के 3 ठिकानों पर बुधवार सुबह लोकायुक्त ने एक साथ छापा मारा। मुरैना के बसंत विहार बंगले से 8 लाख कैश बड़ी पॉलिथीन में भरकर सोने चांदी के जेवर मिले हैं। बंगले की कीमत ही 3 करोड़ रुपए है। घर से 3 कार और 3 बाइक भी मिली है। लोकायुक्त को कई प्रॉपर्टी के कागज भी हाथ लगे हैं। टीम ने नैनागढ़ स्थित ट्रैक्टर की एजेंसी और ग्वालियर तारागंज स्थित उसके मकान पर भी कार्रवाई की। अभी कार्रवाई चल रही है। शिवपुर में शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने अपनी होने वाली दुल्हन के प्रेमी को गोली मार दी, फिर 7 फेरे लिए। घटना शिवपुर के बड़ौदा थाना क्षेत्र के पांडोला गांव की है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर दूल्हा समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बीना रिफाइनरी में MP सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। बीते मंगलवार को ही शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर सहमति दे दी गई है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर लौट आया है। बीते मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो बारिश का यह सिलसिला अब इसी तरीके से आगे जारी रहेगा। प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने की वजह बीते एक पखवाड़े से अधिक समय से बंगाल की खाड़ी में थमी हलचल का शुरू हो जाना है।